दलित युवती को निर्वस्त्र कर पिटाई कर वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस दबिश और कुर्की के डर से तीनों नामजद फरार आरोपियों ने पुलिस के सामने 48 घंटे के अंदर आत्मसमर्पण किया। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार के द्वारा तत्काल वायरल वीडियो को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तेघड़ा के द्वारा कराई गई, जिसमें एक अधेड़ व्यक्ति और एक लड़की को आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद गांव के कुछ लोगों के द्वारा अभद्र व्यवहार करते हुए दोनों के साथ मारपीट की गई। इस मामले में मुख्य अभियुक्त किशन देव चौरसिया को 24 घंटे के अंदर पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और वायरल वीडियो में अभद्र व्यवहार और मारपीट करने वाले तीन अन्य नामजद अभियुक्तों ने पुलिस दबिश और घर की कुर्की किए जाने के भय से तेघड़ा थाना में आत्मसमर्पण किया। तो वहीं पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने कहा कि जल्द ही चार्जशीट और स्पीडी ट्रायल प्रारंभ कर सभी अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। तेघड़ा थाना अंतर्गत जो वीडियो वायरल था, उस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। इसमें फरार चल रहे तीन नामजद अभियुक्तों ने पुलिस कार्रवाई के डर से चलते आज सुबह 9 बजे तेघड़ा पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया है। ये वही तीनों अभियुक्त हैं जो उस वीडियो में उस लड़की के साथ मारपीट करते हुए कपड़ा फाड़ते हुए दिख रहे हैं और इन्हीं लोगों ने वो वीडियो बनाया था और बाद में चल के उसका वायरल किया। तीनों का नाम इस प्रकार है, एक का नाम है रविंदर ठाकुर, दूसरे का नाम दिलीप पोद्दार है और तीसरे का नाम रामजतन पासवान है। ये सब उसी गाँव के रहने वाले हैं और जैसा कि मैंने कल आप लोग को बताया था कि पुलिस ने इन लोग का वारंट प्राप्त कर लिया था और इनकी कुर्की निकालने की कार्रवाई चल रही थी। इनके घरों पर कल दिन भर और रात में दबिश डाली गई एसटीपीओ टेंगड़ा के नेतृत्व में और हम लोगों ने यह भी तैयारी कर ली थी कि यदि ये लोग सरेंडर नहीं करते तो इनके घरों की कुर्की कर दी जाती है। तो पुलिस कार्रवाई के डर से चलते आज सुबह 9 बजे इन लोगों ने टेंगड़ा पुलिस स्टेशन में एसटीपीओ टेंगड़ा के समर्थ इन लोगों ने सरेंडर किया है और वहाँ के गाँव के लोगों ने भी काफ़ी मदद की पुलिस की, उन लोगों ने भी इन पर प्रेशर बनाया है। तो इस प्रकार से जितने भी नामजद अभियुक्त हैं सभी की गिरफ्तारी हो गई है और मैंने इसमें एसटीपीओ टेंगड़ा उनकी टीम को यह आदेश दिया है इसमें जल्द अनुसंधान पूर्ण करके चार्जशीट कोर्ट में जमा करें और अब हम लोग इस मामले को फास्ट ट्रैक न्यायालय में डाल के स्पीडी ट्रायल करा के इन चारों व्यक्तियों को कड़ी सजा दें। पता चला है कि इन लोगों ने जब ये खबर इन लोग को लगी कि ये जो लड़की है पीड़िता और वो व्यक्ति एक घर में है कुछ गलत काम कर रहे हैं तो ये लोग वहाँ पहुँच गए और इन लोगों ने पहुँच के जब वो सब देखा तो इन लोगों ने चूँकि ये सब गांव के ही थे और इनके दिमाग में पहले से ये था कि ये प्रेम प्रसंग इनका चल रहा है तो ये एक बहुत बड़ा कारण था कि इन लोगों ने उनके साथ फिर मारपिटाई शुरू की और इसमें से एक आदमी ने वीडियो भी बना लिया। कारण जो भी रहा हो लेकिन इन लोगों ने बहुत गलत काम किया है, इस प्रकार का कृत्य इन लोगों को नहीं करना चाहिए था। ये पूरी तरह से पॉक्सो की धाराएं और आईपीसी और आईटी एक्ट की धाराओं का उल्लंघन है, इसीलिए हम लोगों ने ये सारी कड़ी जो धाराएं हैं वो एफआईआर में लगाई हैं। ये तीनों आरोपी वायरल वीडियो में कपड़े फाड़ते मारपीट करने वाले वीडियो बनाकर वायरल करने वाले अभियुक्त हैं। इस कांड के सभी नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी 48 घंटे के अंदर कर ली गई है। बेगूसराय से संतोष प्रसाद, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।